स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट का वेट तो आप सभी काफी टाइम से कर रहे थे। सभी बच्चे यही पूछ रहे थे कि एमपी बोर्ड की तरफ से कब ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें कि रिजल्ट की फिक्स डेट बताई जाएगी, टाइम बताया जाएगा। क्योंकि रिसेंट में एमपी बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि फिफ्थ ग्रेड के रिजल्ट की तो डेट आ गई थी सामने, पर टेंथ और ट्वेल्थ की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। एंड मैंने आपसे कहा था कि आज शाम तक ऑफिशियल नोटिस जारी हो सकता है, एंड आपका यहाँ पर इंतजार भी खत्म हो गया है। एमपी बोर्ड ने आप सभी का नोटिस जारी कर दिया है जिसमें कि आपको टेंथ और ट्वेल्थ के रिजल्ट की फिक्स डेट भी बताई जा रही, टाइम भी बताया जा रहा है। काफी अच्छी अपडेट मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, साथ में प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो अगर आप नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी जेन्युइन अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट तो मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जिसका वेट आप काफी टाइम से कर रहे हो, यही सोच रहे हो कि नोटिस कब आएगा कब आएगा। अब ये नोटिस आ चुका है, आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 23 तारीख आज ये नोटिस जारी किया गया है। शाम को ये नोटिस जारी किया गया एमपी बोर्ड की तरफ से, जिसमें कि आपको 10th और 12th दोनों के रिजल्ट की डेट बताई जा रही है। आपका जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो होगा 24 तारीख को। 25 की अपडेट आ रही थी न्यूज पेपर में, बट मैंने काफी बच्चों से कहा था कि ये कन्फर्म नहीं है, फिर भी बच्चे कह रहे थे कि 25 को आएगा। पर यहाँ पर अब एमपी बोर्ड ने बता दिया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 24 तारीख को आएगा। टाइम में यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है। हर बार आपका जो रिजल्ट है वो 12:30 बजे 1 बजे इस टाइम पर अनाउंस किया जाता था, पर इस बार आपका जो रिजल्ट है वो 4 बजे अनाउंस किया जाएगा। इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है, आपको पता है ये चुनाव हो रहे हैं अभी, काफी जगह वोटिंग भी हो रही है, तो वोटिंग इफेक्ट ना हो, चुनाव वगैरह इफेक्ट ना हो, इस कारण से आपका 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो शाम को 4 बजे अनाउंस किया जा रहा है। कहां पर अनाउंस होगा तो यहां पर आपको कुछ वेबसाइट बताई जा रही है, जिनमें से टॉप 3 अगर आप देखोगे तो वो एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो इन पर ही आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। बाकी सुबह मैं आपको एक वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा कि कैसे और कहां पर आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, अगर वेबसाइट क्रैश होती है तो क्या करना है, अगर आपका रिजल्ट अटक जाता है तो क्या करना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए, उसमें आपका जो रोल नंबर होता है, उसमें आपका जो एप्लीकेशन नंबर होता है। अगर आपका एडमिट कार्ड कहीं पर खो गया है तो उसको ढूंढ के रखिए, क्योंकि 24 तारीख को आपका रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है, तो एडमिट कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। तो रेडी हो जाइए, आज की रात आपके पास बची हुई है, नींद तो आपको वैसे भी आएगी नहीं। घर पर सभी को बता दीजिए कि नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट अनाउंस होना है, एंड पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। अगर आपको उम्मीद है कि आप फेल हो रहे हो, फिर आपके कम नंबर आएंगे, वैसे तो अपन एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि सभी बच्चों के अच्छे नंबर आए, तो अब वो तो नेक्स्ट डे अपन देखते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट आता है। आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं करना है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, सारी चीजें अपन आगे देखेंगे, कनेक्टेड रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम पर दे दूंगा। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं। यही रात अंतिम, यही रात भारी।